nominations and ask me 10 questions about the award first. Yeah, yeah. First question, award kis cheez ke liye award anta nahi hai? Ye jo award hai, ye mujhe extraordinary performance, breakthrough performance is saal ke liye mila Anarkali of Ara ke liye. तो मैं नेक्स्ट ब्रांड्स और टाइम्स ग्रुप की बहुत शुक्रगुजार हूँ बिकॉज अनारकली एक छोटी फिल्म थी लेकिन एक बहुत ही मुझे लगता है ज़रूरी फिल्म थी और एक बहुत ज़रूरी कहानी कह रही थी एंड आई थिंक कि जब छोटी छोटी कोशिश को इतना बड़ा रिकग्निशन मिलता है वो हमेशा अच्छा लगता है. आपका हमेशा ही जो है पर्सनैलिटी वो इम्पैक्टफुल रहा है, आपके वर्ड्स इम्पैक्टफुल रहे हैं और ये अवार्ड भी इम्पैक्टफुल रहेगा. आपने इंग्लिश में बोल दिया है, हिंदी में बोल दिया है, तो आप शब्दों में बताइए. क्या क्या बताऊँ, लाइक योर व्यूज बिटवीन दैट, कहाँ से आप, हाउ यू केयर अबाउट दीस थॉट्स एंड व्हाई यू आर एबल टू पुट अक्रॉस. मतलब एक इंसान के दिमाग में विचार कैसे आते हैं? वेल आई थिंक कि मैंने जो भी कितनी अच्छी बात है कि आपने कोई शब्द नहीं बोला है लेकिन मैं कैसे समझ रही हूँ आपकी आपका मतलब, आप किसकी बात कर रहे हो? दोनों ये भी हैं, ये भी हैं. आप जो लिखा उसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है, बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है और आपको स्लैम भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पर. सिद्धार्थ गरिमा ने उसके खिलाफ एक लेटर भी लिखा है जो आपने पद्मावत पे लिखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि सबको अपने अपने प्रतिक्रिया रखने का, अपने विचार रखने का, अपना ओपिनियन रखने का हक है, बिल्कुल है. जैसा जैसा मेरा हक है वैसा दूसरों का भी हक है. तो मैंने एक बात रखी, मुझे जो लगा वो मैंने कहा. मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही एक काफ़ी पोलाइट तरीके से रखा, काफ़ी आदरणीय तरीके से रखा है मैंने. और मेरे मन में कोई ऐसा ऐसी बुरी मंशा नहीं थी, कोई मैल इंटेंट जिसे कहते हैं या कोई विशेष इंटेंट नहीं था. मेरे मन में सवाल थे जो मुझे लगता है बहुत ही जायज़ सवाल हैं और वो मैंने पूछा. और अगर लोगों को मुझसे अगर वो मुझसे मतलब अग्री नहीं करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, ये एक लोकतंत्र है कम से कम अभी तक. तो आई थिंक दैट अच्छी बात है कि लोग ऐसा फील करते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है एंड आई थिंक डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, आर्ट का मकसद ही वो है. सो आई थिंक इट्स फाइन. इसमें इतना मतलब आई डोंट नो आप सब इतने एक्साइटेड क्यों हो गए हो? नहीं एक्चुअली मुझे नहीं लगा था कि इतना विवाद, नहीं मुझे नहीं लगा था कि इतना बवाल हो जाएगा और मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे लोग जो कि फिल्म से कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरीके से वो इतने नाराज़ हो जाएंगे. और मुझे ये भी नहीं पता था कि एक खास शब्द जो वी से शुरू होता है, यहाँ बहुत सारे फैमिली चैनल हैं तो शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए वो वर्ड, वो इंग्लिश में वी से शुरू होता है, हिंदी में वाई य से शुरू होता है, वो महज वो बोलने से इतना बवाल हो जाएगा. आई मीन फ्रैंकली आई रियली थिंक कि थोड़ा मतलब अभी ठीक है यार, मैंने एक बात रखी, आगे से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, इसमें इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है. एंड खासकर उन लोगों को इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है जिनका फिल्म से कोई लेना देना भी नहीं है. सो नहीं, अभी तक तो मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई है. मैंने जो लेटर लिखा था वो एक ओपन लेटर के फॉर्मेट में लिखा था, तो वो मैंने लाइक एक पब्लिश्ड एक पब्लिकेशन के ज़रिए लिखा था क्योंकि मेरे सवाल जो थे मुझे लगा कि वो चूँकि ये फिल्म एक नेशनल मुद्दा बन गई है, एक नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन गई है. और मैं ये ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी आप सबको जो इतना मज़ा ले रहे हो इसमें कि मैं उन आवाज़ों में से थी जिन्होंने लगातार पद्मावती का सपोर्ट किया. आई थिंक ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने लगातार करनी सेना के खिलाफ बयान दिए हैं, लगातार मैंने वायकॉम संजय सर पद्मावती के बाकी टीम के हक के बारे में बोला है कि और सिर्फ उनके नहीं हर आर्टिस्ट का हक है कि वो अपनी जो कहानी कहना चाहते हैं, जो फिल्म कहना चाहते हैं, वो उसे एक सुरक्षित समाज में एक सुरक्षित रूप से बनाएं. मैंने बार बार निंदा करी है जिस किस्म की हिंसा का सामना करना पड़ा फिल्म की पूरी टीम को. सो ऑब्वियसली मेरा कोई मैल इंटेंट नहीं है, लेकिन एक बार फिल्म रिलीज़ हो जाती है फिर वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक कंसम्पशन के लिए आ जाती है. और चूंकि ये फिल्म इतनी ज़रूरी फिल्म है, हमारे समाज में इस फिल्म ने इतने सारे बाकी मुद्दे खोले, इसलिए मैं चाहती थी कि जो मेरे सवाल हैं वो भी वो जो एक नेशनल कॉन्वर्सेशन है, एक राष्ट्रीय स्तर पे जो बातचीत हो गई है उसका हिस्सा बने. और इसलिए सिर्फ इसलिए मैंने ये जो लेटर है वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया. ये कहा जा रहा है कि ये जितने भी
या आप मुझे दोगे पैसे बात करने के लिए? आज तक आप लोगों से एक पैसा नहीं आया मेरे पास. सो आई थिंक द नेक्स्ट टाइम आई थिंक दैट व्हेन यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन लाइक दैट पे मी फर्स्ट टू आंसर इट. व्हाट डू यू थिंक? देखिए सबसे आसान चीज किसी की भी बात को गैर जायज बनाने का, खासकर अगर जो व्यक्ति वो बात बोल रहा है वो एक लड़की है, एक अभिनेत्री है, आप तीन चार ही चीजें कह सकते हैं. एक कि आपको पैसे मिले हैं ये बोलने के लिए, दूसरा कि वो जेलस है, तीसरा कि एक पब्लिसिटी स्टंट है, चौथा कि उसका चरित्र ही बुरा है. तो ये सारी बातें हो चुकी हैं मेरे बारे में एंड ये पहली बार नहीं हो रहा है. सो फ्रेंकली आई थिंक ये इतनी छिछली बातें हैं कि इनका कोई इनको क्या ही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. मतलब आई विश लोग मुझे पैसे देते बात करने के लिए. मैं उनकी बातों से असहमत हूँ, बट मुझे लगता है कि फिर भी मैं बिल्कुल और ये मैं आदर के साथ कह रही हूँ कि उनका हक बनता है कि अगर उन्हें जो भी लगता है वो उनका हक है कि वो उस बात को रखें. इसमें बस इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है. मतलब मानसिक रूप में नहीं, मैंने इतना ये सब नहीं सोचा यार. आप मेरे मन में कोई ऐसी बुरी नीयत मतलब मंशा नहीं थी. जो भी मैंने बोला मैंने बहुत ही जायज सवाल रखे हैं एंड आई थिंक कि ये कॉन्वर्सेशन फ्रेंकली हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है और आई थिंक अच्छी बात है कि हो रहा है. इसके अलावा मैंने इतना नहीं सोचा और मैंने कतई ये नहीं सोचा था कि इतना इंटरेस्ट जागेगा इस चिट्ठी के पीछे और कि भारत की जनता इतना पढ़ती भी है, ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा मुझे. थैंक यू. थैंक यू.